ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस देख रहे थे हम लोग। इस ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग फिलहाल देख रहे हैं पेपर टू दैट इज इंडियन ज्योग्राफी, और लास्ट क्लास से हम लोग बातें कर रहे हैं अपने ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ देखा था और उसी के कंटिन्यूएशन में जरा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। क्या चीज है, कैसे होता है और क्या कुछ है हमारे इस चैप्टर में, सारा कुछ देखेंगे और आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगेन कुछ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है। इसके अलावा हमारी ये टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है जो कि ऑलरेडी ऑन गोइंग स्टेज में है, काफी लोगों ने इसके बेनिफिट लिए हैं। आप भी अगर चाहें तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर दिस टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फटाफट, और आज का टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये बात होती है कि डिस्प्यूट आखिर में हुआ तो हुआ ही क्यों। आपको पता है हमारे पास जो रिवर्स हैं, रिवर्स दो तरीके के हमारे पास हैं। एक है हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं और दूसरी है जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर पेरिनियल होती है, अच्छा खासा जो होती है वाटर पड़ी हुई रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये सारी की सारी रेन फेड है। रेन फेड होने का मतलब है जब तक ये रेनफॉल होगी तब तक यहां पर पानी बना रहेगा, जब रेनफॉल नहीं होगी तो रेनफॉल मतलब कि पानी रुक जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि जितनी भी रिवर्स है ऐसा तो है नहीं कि वो स्टेट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो तो अपना फ्लो बना रही होती है, नेचुरल बाउंड्री होती है, और इस नेचुरल बाउंड्री के हिसाब से ये कई सारे स्टेट में घूम रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात करें गंगा रिवर, गंगा रिवर जो होती है और लाइन से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश हो गई, फिर बिहार हो गई, फिर झारखंड हो गई, इस तरीके से वेस्ट बंगाल हो गई, फाइव स्टेट से होकर के गुजर रही है। सिमिलरली कावेरी के बारे में बात करें, गोदावरी के बारे में बात करें, कृष्णा के बारे में बात करें, तो यहां पर कई सारी रिवर्स हैं जो कि मल्टीपल स्टेट्स घूम रही होती हैं। और हमें पता है कि जो वाटर है पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आती है स्टेट लिस्ट में। ये कौन सी लिस्ट है, ये आती है शेड्यूल सेवन के ये स्टेट लिस्ट में आ रही होती है। अब यानी कि यहां पर जो भी निर्धारण करना है, जो कुछ भी क्लैरिफिकेशन करनी है वो स्टेट कर रही होगी, स्टेट गवर्नमेंट कर रही होगी। स्टेट गवर्नमेंट आपस में फेडरल सिस्टम होने के कारण से आपस में झगड़ा होना बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि वाटर का डायवर्जन किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आखिर में वाटर डिस्प्यूट है तो क्यों है। फटाफट इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं कि वाटर बीइंग द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। मोर ओवर यहां पर जो चीज है वो ये भी कह सकते हैं कि यहां पर पावर प्रोजेक्ट के लिए भी यूज हो जा रहा होता है। तो इस पावर प्रोजेक्ट के कारण से वाटर का डायवर्जन किया जाता है और वो वाटर डायवर्जन अल्टीमेटली कारण बन जाती है वाटर डिस्प्यूट की। तो मोस्ट ऑफ द रिवर ट्रैवर्स मोर देन वन स्टेट, ईच ऑफ द स्टेट ऑफ अ रिवर बेसिन ट्राइज टू ऑब्टेन द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट हैज रिजल्टेड इनटू मेनी वाटर डिस्प्यूट इन द कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो स्टेट लिस्ट में आ जाती है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, यानी कि इसकी प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट, रेगुलेशन सब कुछ आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से यहां पर बात हो रही होती है। इन केस अगर डिस्प्यूट आ भी जाता है तो फिर क्या होती है, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आर्टिकल नंबर 262 में बोलता है कि यहां पर पार्लियामेंट विल प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट, और इस मैकेनिज्म के थ्रू निकल के आती है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल निकल के आती है जो कि स्टैट्यूटरी हो जाती है। स्टैट्यूटरी क्यों होती है, ये सब पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि पार्लियामेंट्री प्रोविजन के हिसाब से जो भी बॉडीज निकल के आती हैं उनको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडीज बोल रहे होते हैं। ये जो निर्णय देती है, ये जो डिसीजन देती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिसीजन देती है वो नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए ये मान्य होता है। 25 ईयर के बाद से वापस से एक नई ट्रिब्यूनल बनाई जा सकती है, एक नया डिसीजन वापस से लिया जा सकता है। तो 25 ईयर के बाद से वापस से इसको रिव्यू कराया जा सकता है। हालांकि इसकी जो कह लीजिए कि सिस्टम है, जो ट्रिब्यूनल की डिसीजन आई है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अभी की कावेरी रिवर वाटर की केस में यही हुआ था। खैर चलिए हम लोग पॉलिटी में नहीं घुसेंगे, हम लोग ज्योग्राफी में आएंगे। तो यहां पर अंडर, एक मिनट क्लियर कर देता हूं, तो अंडर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ट्रिब्यूनल ऑफ 3 सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट कर दी जाएगी। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
क्योंकि पार्लियामेंट से एक चीज निकल करके आ गई है और उस पार्लियामेंट के बेसिस पे 3 जज की एक बेंच बना दी जाएगी और अल्टीमेटली जो भी वो निर्णय देगा, जो भी डिसीजन देगा वो मान्य हो जाएगा उस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में। अकॉर्डिंग टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1968, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर वैली रिवर वैली टू द एक्सटेंट सच दैट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाई पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जितना बोल रही होती है उसी के अकॉर्डिंगली इनको काम करना होता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस ज्योग्राफी परस्पेक्टिव। बाकी पॉलिटी में आप लोग तो ऑलरेडी पढ़े होंगे, काफी डिटेल में पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे रिवर्स हैं जो इस तरीके का वॉटर डिस्प्यूट फेस कर रही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवर्स हैं, मतलब नियरली 10 रिवर वॉटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाई जा चुकी है। अगर वन बाई वन करके देखें तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ रिवर्स आ जा रही होती हैं। उस रिवर को देखने से पहले जरा हम लोग कुछ इंटरनेशनल रिवर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रिवर्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास एक इंटरनेशनल रिवर हो जाती है जो इंडस रिवर है। इंडस रिवर आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर हो रही होती है। ये इंडस रिवर के डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इंटरनेशनल कमीशन बनाया गया वर्ल्ड बैंक की, कह लीजिए प्रेसिडेंटशिप में। वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान, ये 3 मेंबर आपस में बैठे और अल्टीमेटली 1960 में एक परमानेंट इंडस कमीशन बन करके आया जो ये बताया कि आखिर में इंडस वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर है वो कैसे किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस परमानेंट इंडस कमीशन वाटर की जो शेयरिंग की गई उसमें यह कहा गया कि जो टॉप की 3 रिवर्स हैं कौन कौन सी, चेनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान के डिस्क्रिप्शन पे रहेगी और सिमिलरली बाद की जो 3 रिवर्स हैं रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडिया के डिस्क्रिप्शन पे रहेगी। हालांकि एक दूसरे के वाटर को ये यूज कर सकते हैं बट जो भी वाटर यूज किया जाएगा वो डायवर्जन नहीं किया जाएगा, डायवर्जन नहीं होना चाहिए। बाकी तो ऑलरेडी आप लोग डिस्कस किए होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में बात किए होंगे इंडिया और पाकिस्तान का जो ये परमानेंट इंडस कमीशन है। हम लोग भी कभी देखेंगे जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू कर रहे होंगे। फिलहाल अभी हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पे जरा कंसंट्रेट करते हैं एंड दिस मच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल। आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी रिवर आती है, दूसरी इंटरनेशनल रिवर है और वो हो जाती है गंगा रिवर। गंगा रिवर आपको पता है कि 5 स्टेट ऑफ इंडिया से पास करती है और अल्टीमेटली बांग्लादेश में चली जाती है, वहां पर मेघना, पद्मा और इन रिवर से मिल जाती है और अल्टीमेटली मेघना रिवर में कन्वर्ट हो जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही होती है। तो ये भी रिवर एक तरीके से इंटरनेशनल रिवर बन जाती है। यहां पर भी वाटर का इश्यू है क्योंकि यहां पर भी एक फरक्का बैराज बना करके रखा गया है और ये फरक्का बैराज को लेकर के बांग्लादेश और इंडिया में लगातार डिस्प्यूट्स होते रहते हैं कि वाटर का डायवर्जन किया जा रहा है। तो अगेन ये पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बन जाता है। लेकिन यहां पर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो केवल इतना ही है कि 30-year एग्रीमेंट जो होता है ऑलरेडी हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी एक बनाया गया है जो कि गंगा रिवर वाटर को लेकर के बनाया गया। अगली रिवर आती है हमारी महाकाली रिवर, या इसी को हम लोग बोलते हैं काली रिवर, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है। क्लियर हो गया, इन दोनों के बीच में भी वाटर शेयर हो रही होती है। हालांकि ये जो रिवर है इसके लिए फ्रेंडशिप ट्रीटी हो रखी है जिसके कारण से ज्वाइंट वेंचर में कोई भी काम करना होता है तो ज्वाइंट वेंचर में करते हैं। यहां पर देखिए इस रिवर को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट थिंग ये पेरेनियल है, पेरेनियल होने के कारण से इसमें वाटर हमेशा बना होता है और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के दिक्कत नहीं होती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है कि इंडिया देखिए नेपाल से रिस्पेक्टिवली ज्यादा थोड़ा सा रिचर कंडीशन में है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट नेपाल में कोई भी पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना होता है या कुछ भी अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है तो वो इंडिया ही कर रही होती है और इस कारण से ये रिवर कुछ खास डिस्प्यूट का मैटर नहीं बना हुआ है। हालांकि लेकिन अभी हमें रिसेंट में कुछ डिस्प्यूट देखने को मिले विद रिस्पेक्ट टू द वॉटर डिस्प्यूट, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस महाकाली रिवर। चलिए बात करेंगे कभी जो हम लोग इसके मैटर में आएंगे। तो नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट रिवर आती है संकोच रिवर। संकोच रिवर जो होती है वो इंडिया और भूटान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। हालांकि यहां पर जो भूटान के प्रेसिडेंट हैं, भूटान के जो प्रेसिडेंट तो नहीं किंग बोलेंगे आप, प्रेसिडेंट जो किंग है, उन्होंने एक ज्वाइंट प्लान बना के रखा हुआ है इस वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन और इस वाटर से जो भी पावर जनरेट होगी उसको लेकर के। यहां पर भूटान ने कहा है कि भूटान इज विलिंग टू डाइवर्ट 12,000 क्यूसेक ऑफ वाटर फ्रॉम द संकोच रिवर टू तीस्ता
एंड फ्रॉम तीस्ता टू फरक्का बैराज, और इस तरीके से इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, इनके बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपस में शेयरिंग होगी, और अल्टीमेटली जो भी पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा उसका बेनिफिट ये तीनों कंट्री उठा रही होंगी। क्लियर हो गया क्या चीज है यहां पर? अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कौन कौन सी वो वाटर डिस्प्यूट वाली रीजन थी जो विद इन इंडिया हो रही थी। जहां पर हम लोगों ने बात किया हुआ था कि 10 रिवर्स ऐसी हैं जो रिवर डिस्प्यूट का मतलब वाटर डिस्प्यूट का केस लेकर के रखी हुई है। कौन कौन सी है? जैसे कावेरी रिवर हो गई जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में इशू बना हुआ है। हालांकि ये इशू इस समय काफी ज्यादा न्यूज में भी रही थी, तो आपको इसके बारे में जानना काफी जरूरी है, और ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखना है कि कैसे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जब भी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कशन करनी होगी, आप यहां पर जीएस वाली लैंग्वेज नहीं लिख सकते, यहां पर आपको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज लिखना होगा। कैसे लिखेंगे आइडिया दे देता हूं आपको ताकि आप लिख सके। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्प्यूट, व्हाट इज डिस्कस द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन की कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। बस ये क्वेश्चन है और इसी को आपको डिस्कस करना है। आगे डिस्कस लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या आंसर लिखा जा सकता है। इस तरीके के जब भी डिस्प्यूट के बारे में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे ओरिजिन ऑफ वाटर क्या है। ओरिजिन ऑफ वाटर मतलब कि कावेरी रिवर निकल कहां से रही है। दूसरा आप बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कावेरी रिवर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, वॉल्यूम क्या है, रेनफेड है, कितने स्टेट से होके गुजर रही है, क्या यहां पर फॉर्मेशन क्या हो रही है, डेल्टा फॉर्मेशन होती है, एस्चुरी फॉर्मेशन होती है, मियंडरिंग बनती है, क्या कुछ होती है, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आप यहां पर बता रहे होंगे। फिर आप बताएंगे यहां पर किस किस स्टेट से होकर के गुजरती है। फिर आप बताएंगे कि जिस जिस स्टेट से होके गुजरती है वॉल्यूम ऑफ द वॉटर कैसा रहता है। तो आप बेसिकली वॉटर का थोड़ा सा डेटा लिखना होगा आपको। वॉल्यूम ऑफ वॉटर के बारे में जब आप बताएंगे तो यहां पर बता देंगे शेयरिंग ऑफ वॉटर के बारे में। शेयरिंग ऑफ वॉटर जैसे ही आप बताएंगे वैसे ही आपका आ जाएगा इश्यू ऑफ डिस्प्यूट। तो आप डिस्प्यूट को फिर इसके बाद से इंट्रोड्यूस कर देंगे। डिस्प्यूट को आपको ज्यादा डिटेल में लेकर के नहीं जाना है बिकॉज दिस इज ज्योग्राफी ऑप्शनल। यहां पर आप डिस्प्यूट को बस ऑब्जेक्टिव बताएंगे और जो भी डेवलपमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट की सारी डेवलपमेंट को आप बता देंगे। अल्टीमेटली जो आपका मेन फोकस होगा वो मेन फोकस होगा सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका। तो आप बेसिकली सोल्यूशन को बताएंगे। सोल्यूशन के रूप में आप बता सकते हैं रिवर वॉटर इंटरलिंकिंग को लेकर के। तो जो रिवर वाटर इंटरलिंकिंग है इसको आप बेसिकली कंक्लूजन के तौर पे लिख देंगे, और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो एक कंप्लीट आंसर मान लिया जाएगा। समझ में आया कैसे लिखना होता है ज्योग्राफिकल आंसर इस तरीके के डिस्प्यूट का। तो ये हो गई आपकी कावेरी रिवर डिस्प्यूट हो गई। इसी तरीके से हमारी कृष्णा रिवर डिस्प्यूट है जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। सिमिलरली तुंगभद्रा रिवर की भी है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है। गोदावरी रिवर डिस्प्यूट है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच में। सिमिलरली नर्मदा वाटर डिस्प्यूट गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लेकर के। रावी और व्यास ये देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिमालयन रिवर की भी एक वाटर डिस्प्यूट है। तो रावी और व्यास को लेकर के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर को, इनफैक्ट सतलज रिवर को भी लेकर के डिस्प्यूट है। किन दो स्टेट के बीच में? एक है पंजाब और साथ में दूसरा हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट है। कई बार क्या होती है पंजाब वाटर को डाइवर्ट कर लेता है, पानी को रोक लेता है सतलज वाटर की, जिसके कारण से हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनको वाटर अवेलेबल नहीं हो पाती है इरिगेशन के लिए। इसलिए सतलज का एक रिवर जो सतलज की रिवर वाटर शेयरिंग है वो दोनों स्टेट के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है। सिमिलरली यमुना रिवर हो गया, यमुना रिवर को लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली जितने भी स्टेट से होके गुजर रही है उन सब में वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट बना हुआ है। सिमिलरली एक रिवर है जिसका नाम है महादाई रिवर। ये जो महादाई रिवर है ये गोवा और महाराष्ट्र के बीच का रिवर वाटर डिस्प्यूट बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ रिवर्स हैं जिनकी आपस में रिवर वाटर डिस्प्यूट बनी हुई है। इन सारे के अलावा एक और होती है जो महानदी है। महानदी रिवर भी एक डिस्प्यूट का बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है अलग अलग स्टेट के बीच में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ रिवर्स हैं जो आपस में डिस्प्यूट बनी हुई है। इन डिस्प्यूट का आखिर में सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों को एक सोल्यूशन बताया हुआ है, एक सोल्यूशन के रूप में मैंने आप लोगों को बताया
कि यहां पर रिवर वाटर इंटरलिंकिंग की जाएगी, रिवर वाटर इंटरलिंकिंग। लेकिन यहां पर केस क्या है कि अब जब देखेंगे तो नॉर्थ से लेकर के साउथ के बीच की सारी ही रिवर के बीच में आपस में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है। अब चाहे नॉर्थ की हमारी ब्यास हो, चाहे रावी हो, चाहे सतलज हो, या फिर जब धीरे धीरे नीचे आएंगे जैसे क्या हो गया, नर्मदा रिवर हो गई, या फिर यमुना रिवर हो गई, या फिर महानदी रिवर हो गई, या फिर गोदावरी हो गया, फिर उसके बाद से आपकी कृष्णा हो गई, महादाई रिवर हो गई, नीचे कावेरी रिवर हो गई, मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ के बीच में आप हर एक रिवर में कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर पा जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हर एक रिवर को उठा उठा करके हम इंटरलिंकिंग करना शुरू कर दें? ये जो हर रिवर को उठा उठा करके इंटरलिंकिंग करने का जो काम है, इसी को हम लोगों ने नाम दिया नेशनल वाटर ग्रिड, जहां पर हम लोग पैन इंडिया के जो रिवर्स हैं उनको आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। अब इंटरलिंक करने के लिए थोड़ा सा आपको और आइडिया दे देता हूं, जो इंटरलिंकिंग की जा रही होती है वो उससे कई सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। देखिए, जैसे बाढ़ आने का खतरा आता है, फ्लडिंग होने का खतरा होता है, इसके अलावा वाटर लाइनिंग के कारण से, सीपेज के कारण से वाटर पोल्यूट भी हो सकता है, मरीन लाइफ जितनी भी है वो खत्म हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण से अर्थक्वेक आने का बहुत ज्यादा डर होता है, जितनी भी कम्युनिटी जहां पर भी रह रही होती है उसको रिलोकेट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है इंटरलिंकिंग के लिए। इंटरलिंकिंग में जैसे केन बेतवा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजर रहा था, तो इस तरीके से वहां पर डिस्प्यूट आ गई थी कि हम इस तरीके का इंटरलिंकिंग नहीं होने देंगे। तो अगर आप छोटी रिवर को इंटरलिंकिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या नेशनल वाटर ग्रिड को करने में दिक्कत नहीं होगी, पैन इंडिया को कनेक्ट करने में? बिल्कुल दिक्कत होगी। तो इंटरलिंकिंग के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी दो बड़ी रिवर्स का, मतलब दो बड़ी रिवर जैसे कि हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर, ये दोनों बड़ी रिवर्स हो जाती है, कोई भी आप उठा लीजिए इसमें से, चाहे गंगा हो, गंगा को उठा लीजिए, गोदावरी को उठा लीजिए, इन दोनों को आपस में कभी इंटरलिंकिंग नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए। दो बड़ी रिवर का कभी भी इंटरलिंकिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बैकड्रॉप्स या कह लीजिए कि इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं करते हैं ये। लेकिन इंटरलिंकिंग शॉर्ट रिवर्स की या फिर एक छोटी रिवर और एक लंबी रिवर, इन दोनों का बिल्कुल पॉसिबल है और इनको प्रेफर भी किया जाता है। तो प्रेफर्ड इस तरीके का इंटरलिंकिंग है, जैसे आप देख सकते हैं कि फिलहाल में केन बेतवा को किया गया था, तो ये छोटी रिवर्स हैं, इनको बिल्कुल किया जा सकता है। सिमिलरली अलग अलग रिवर को इसी तरीके से हम लोग डाइवर्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग चंबल रिवर को भी हम डाइवर्ट कर रहे होते हैं, गंगा रिवर को डाइवर्ट करने की बात हो रही है और राजस्थान एरिया में ले जाने की बात हो रही है, केन बेतवा से हम लोग बुंदेलखंड के रीजन को इरिगेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी एरिया ड्रॉट प्रोन हो रखा है उसको हम लोग इंटरलिंकिंग के माध्यम से या फिर डाइवर्जन के माध्यम से हम उस इलाके तक वाटर की अवेलेबिलिटी कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कई सारे डैम भी बनाए गए हैं और कई सारे रिजर्वायर भी बनाए गए हैं, जैसे गंगा सागर रिजर्वायर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो नंबर ऑफ रिजर्वायर इस तरीके से बनाए जा चुके हैं। इस पूरे के पूरे इंटरलिंकिंग या इस पूरे के पूरे जो छोटा इंटरलिंकिंग चाहे बड़ा इंटरलिंकिंग चाहे डाइवर्जन, इन सब को हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको बोला जाता है नेशनल वाटर ग्रिड। इस नेशनल वाटर ग्रिड को फटाफट जरा डिस्कस कर लेते हैं और इसको जरा रिमूव करते हैं और अब जरा देखते हैं नेशनल वाटर ग्रिड के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज हाईली अनइक्वल एंड सीजनल, और इस कारण से जितनी भी हिमालयन रिवर है वो तो पेरेनियल हो जाती है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है जो कि सीजनल रिवर्स है, यहां पर हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर देखने को मिल रहा होता है। तो एक जगह पे यहां पर फ्लडिंग देखने को मिल रही है, ओशन में जाकर के गिर जा रहे होते हैं, दूसरी जगह वहीं पे स्केर्सिटी ऑफ वाटर देखने को मिल रही होती है। इस कंसिक्वेंट ड्रॉट, फेमाइन और फ्लडिंग की फिनोमिना जो होती है लगातार देखने को मिलती है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटर बेसिन लिंकेज करना शुरू कर देते हैं, जिसको कि हम लोग नेशनल वाटर ग्रिड के नाम से बोल रहे हैं। अंडर विच वाटर फ्रॉम वन रिवर बेसिन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अनदर बेसिन फॉर ऑप्टिमम एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन। तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बेसिकली बात हम लोग क्या कर रहे हैं। कुछ अगर फीचर्स के बारे में बात करें नेशनल वाटर ग्रिड के बारे में, तो देखिए यहां पर कई सारी रिवर का इंटरलिंकिंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे वन बाय वन करके डिस्कस करें तो देखिए आप देखेंगे तो एक हिमालयन रिवर को एक पेनिनसुलर रिवर के साथ में कनेक्ट तो किया गया है, लेकिन छोटी छोटी रिवर्स को कनेक्ट किया गया है। जैसे
गंगा को कावेरी के साथ में लिंक कर दिया गया, मतलब हिमालयन रिवर को पेनिनसुलर इंडिया के साथ में कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन कैसे, इसके ट्रिब्यूटरी के जरिए, जैसे सोन हो गया, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा, पेन्नेर एंड कावेरी तब जाकर के आ रही है। तो हम लोग टॉप से बॉटम जा तो रहे हैं, लेकिन इसकी इंटरलिंकिंग इस तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं ताकि कोई भी दो बड़ी रिवर्स जितनी भी है उनका इंटरलिंकिंग न करके हम लोग दो शॉर्ट रिवर का हमेशा इंटरलिंकिंग करें, ताकि हमें जो फ्लडिंग वाली प्रॉब्लम होती है वो फ्लडिंग हमें देखने को ना मिले, पहली चीज। और दूसरी, जितनी भी बीच में वाटर स्केयर्स रीजियन आ रहे हैं उन सारे वाटर स्केयर्स रीजियन तक पानी की, वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जा सके। इसी तरीके से हमारे कुछ और भी नेशनल ग्रिड के, नेशनल वाटर ग्रिड की कैनाल लिंक है, जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा को जब भी इंटरलिंक करेंगे तो यहां पर बांग्लादेश के पास में ऑब्वियसली जा तो रहा है वाटर बांग्लादेश के पास में, लेकिन यहां पर कुछ रीजियंस ऐसे हो जाते हैं, छोटा नागपुर के प्लेटू वगैरह जो वाटर स्केयर्स रहते हैं, तो उन रीजियन में भी वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जा सकेगी। सिमिलरली गुजरात और राजस्थान के लिए नर्मदा कैनाल बनाया गया है, फिर उसके बाद से चंबल रिवर को डाइवर्ट किया जा रहा है सेंट्रल राजस्थान में ताकि वहां पर भी वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए। वेस्टर्न घाट की जितनी भी रिवर्स हैं उनको ईस्ट साइड में लेकर के आया जा रहा है, जिससे कि मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र इन रीजियन में भी वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जा सके। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरे सिस्टम जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया रिवर वाटर ग्रिड के बारे में। हालांकि ये क्वेश्चन ये रिवर वाटर ग्रिड का सेपरेटली भी आ सकता है, और दूसरा आप इसको कंक्लूजन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम लोग जरा एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में। ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो होता है वो देखिए होता क्या है, आप लोगों ने सॉइल का एक बेसिक तो पढ़ा ही होगा। सॉइल हमारे पास बेसिकली चार टाइप की हो जाती है। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बांगर सॉइल, दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं तराई सॉइल, तीसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं भाभर सॉइल, और चौथी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं खादर सॉइल। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, जो भाभर होती है वो बेसिकली माउंटेन ट्रैक पे होती है। तो ये माउंटेन ट्रैक जो है यहां पर हमें भाभर देखने को मिल रही होती है, जहां पर वाटर मतलब मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, ये थोड़े बड़े बड़े बोल्डर टाइप के होते हैं, तो यहां पर वाटर जो होती है वो आकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वाटर एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। फिर आती है हमारी तराई रीजन में क्या होती है कि वाटर यहां पर डिजैपियर हो जाती है, तो जो भी रिवर है वो डिजैपियर हो जाती है, और अल्टीमेटली फिर हमें यहां पर रिवर जहां पर निकल रही होती है और न्यू एलुवियम जो लेकर के आती है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, और जो ओल्डर एलुवियम इकट्ठा हो रखा है उसको हम लोग बांगर बोल दे रहे होते हैं। तो ये होती है बेसिकली जो सॉइल की टाइप है, जिसके बारे में आपको बेसिक जानते रहिए, बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पार्ट वन में हमारे आएंगे। तो यहां पर जो सिस्टम हमारा तराई रीजन है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर आ रही है और डिजैपियर हो जा रही है। यहां पर जो ग्राउंड वाटर होती है वो बेसिकली जो इकट्ठा होती है, ग्राउंड वाटर मतलब कि सरफेस के नीचे जो इकट्ठा होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूफर के नाम से। दिस इज बेसिकली एक्यूफर। तो एक्यूफर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ कोई भी अर्थ का, मान लेते हैं कि अर्थ का सरफेस है। तो यहां पर क्या होती है, मान लेते हैं कि ये रॉक पैन कुछ इस तरीके से, तो यहां पर रॉक स्ट्रेटा कहीं यहां पर है, और यहां पर मान लेते हैं कि रॉक स्ट्रेटा ऊपर है, यहां पर रॉक स्ट्रेटा नीचे है। तो पानी जो सीपेज करके अंदर आया है वो यहीं पर भर गया है, और ये जो भर गया है यहीं पर, जब मान लीजिए यहां पर आपने ड्रिलिंग किया और वाटर निकाला, तो ऑब्वियसली आपको वाटर जो है बहुत ही कम हाइट पे मिल जाएगा। जिस हाइट पर वाटर अवेलेबल होता है इस वाले सिस्टम को बोलते हैं वाटर टेबल। तो वाटर टेबल अगर अप है इसका मतलब पानी जल्दी मिल जाएगा, कम गहराई पर ही मिल जाएगा। वाटर टेबल अगर डाउन चला गया है तो इसका मतलब आपको ज्यादा ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, तब आपको वाटर की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वाटर रिसोर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो एक बार इसको इरेज करते हैं और इंडिया के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए कई लोग इंडिया के मैप के बारे में पूछ रहे थे, तो इंडिया का मैप मैं सेपरेटली एक अलग से एक वीडियो बना देता हूं 2-4 मिनट की, जहां पर इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप दोनों ही बनाना सिखा दूंगा कि पेपर में कैसे बनाना होता है। टेस्ट सीरीज में कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैप क्या बनाना है, कैसे बनाना है। फिलहाल देखिए इंडिया का मैप बनाने के लिए सिंपल सी टेक्निक होती है, जिसको कि हालांकि मैं फटाफट यहां पे बताता हूं, पेपर में मतलब कि एक सेपरेट वीडियो में आराम से बताऊंगा क्या चीज है। एक आप सिंगल लाइन यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं और यहां पर आप इस तरीके से इंडिया बना लीजिए, ये आपका बन गया इंडिया। ठीक है, इंडिया बनाने के बाद आप इस तरीके से उत्तराखंड बना करके इस तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट बना दीजिए। दिस इज बेसिकली नॉर्थ ईस्ट। वन सेकेंड,
ओके यहां पर आपको श्योर ये करना है, एश्योरिटी ये रखनी है कि दिस लाइन शुड बी लाइक दिस, मतलब ये सिक्किम आपका यहां से मिल रहा होना चाहिए और ये वाला पॉइंट आपका यहां से मैच हो रहा होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बाद से आप जब साउथ में लेकर के आएंगे तो दिस इज बेसिकली द पार्ट जहां पर इंडिया का इस तरीके से सिस्टम बन जाना चाहिए। उत्तराखंड से आपकी एक और लाइन जानी चाहिए और इस लाइन तक बेसिकली आप ये सीधे मूव करेंगे, यहां पर आपको इस तरीके से लेकर के आना है, दिस इज हाउ द इंडिया का पेनिनसुला मूव करेगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम हो जाएगी। सिमिलरली आप फिर राजस्थान साइड में आ जाएंगे, यहां पर आप राजस्थान बना दीजिए और ये गुजरात का पोर्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको जरा इरेज करते हैं और उसके बाद से वापस से ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप बना सकते हैं इस तरीके से आप जब भी बनाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको इस तरीके का एक मैप देखने को मिल जाएगा। यहां पर जब आप देखेंगे तो ये इलाका बेसिकली, इनफैक्ट इसको छोड़ दिया जाए, ये इलाका देखा जाए तो इन इलाकों में यहां जब आप देखेंगे तो गंगा की ये बेसिकली वाटर मिल जाती है, गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि टॉप पे क्या है, हिमालय यहां पर पाया जा रहा होता है। सिमिलरली हिमालय पूरा रीजन है, ये पूरा हिमालय का रीजन हो जाता है। हिमालय के रीजन के बाद ये पूरा का पूरा इलाका तराई हो जाता है। तराई होने का मतलब है कि यहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही रिच होने वाली है। साउथ में यहां पर जब आप देखेंगे तो बेसिकली यहां पर भी वाटर की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा रिच होने वाली है, क्योंकि यहां पर मॉनसूनल रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है तो हमें वाटर बहुत ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन बीच में अगर देखें तो यहां पर वाटर बेसिकली क्या हो गया, वाटर स्केयर्स रीजन है। जब तक यहां पर रिवर वगैरह बह रही है तब तक तो ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही रिवर में वाटर कम हो गया वैसे ही यहां पर शॉर्टेज हो जाती है और रिवर जो होता है वो स्केयर्स हो जा रहा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहां पर ये बेसिकली पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम का हम लोग यूज भी करेंगे अभी आरएल सिंह के क्लासिफिकेशन में, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो बेसिकली पहले देख लेते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्स की क्या अवेलेबिलिटी है। बात करें अगर ग्राउंड वाटर की तो ग्राउंड इंडिया जो होता है काफी रिच है और इसका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली हर जगह सेम नहीं है, ऑलरेडी अभी हम लोगों ने देख लिया। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो देखिए एवरेज जो होती है 110 सेंटीमीटर हमारे यहां पर एनुअल रेनफॉल बारिश हो रही होती है, लेकिन ये अगेन यूनिफॉर्म नहीं है। मौसिन रॉम में अगर बात करें या फिर चेरापूंजी में बात करें तो यहां पर रेनफॉल जो होती है मोर देन 1000 सेंटीमीटर है, और वहीं अगर गंगानगर जो कि राजस्थान में है बात करें तो वहां केवल और केवल 20 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल जा रहा होता है। यानी कि हमें वाटर मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि वन साइड में जहां पर मौसिन रॉम में 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है बट यहां पर वाटर रुक नहीं पाता है, क्योंकि यहां की जो टोपोग्राफी है वो काफी ज्यादा टफ है, मतलब कि यहां पर वाटर रुकता नहीं है, वाटर अल्टीमेटली फ्लो करके चला जा रहा होता है बे ऑफ बंगाल में। तो अगेन यहां पर वाटर की आया तो वाटर, लेकिन क्या है कि वो वेस्ट हो गया। सिमिलरली 20 सेंटीमीटर वाली जगह पे अगर बात करें तो ये तो पूरा का पूरा इलाका ही वाटर स्केयर्स रीजन बना हुआ है, बट वॉट इफ अगर इस वाटर को मैं इससे कनेक्ट कर दूं तो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो फ्लो करके उस रीजन में चला जाएगा जहां पर वाटर स्केयर्स है। तो इस तरीके के ही सिस्टम को हम लोग इंटरलिंकिंग में बात कर रहे होते हैं, जिसको कि हम लोगों ने नेशनल वाटर ग्रिड के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया हुआ है। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर बात करें, लेट मी क्लियर इट, तो अंडर वाटर ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर रिसोर्स इज अ फंक्शन ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है, बॉटम की रॉक स्ट्रेटा के बारे में बात करना होगा कि कहां पर रॉक स्ट्रेटा ऊपर है कहां पर नीचे है, फिर टोपोग्राफी के बारे में ऑब्वियसली बात करना ही होगा, स्लोप के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में, रन ऑफ के बारे में, सॉइल के बारे में और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ए रीजन के बारे में डिस्कस करना ही होगा। हमें देखना होगा कि हमारे यहाँ पर रेनफॉल कितनी हो रही है, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन को रेनफॉल कंडीशन ही बोलते हैं, और हमें देखना होगा कि आखिर में स्लोप क्या है, स्लोप के कारण से हमें रन ऑफ देखने को मिल जाएगा कि वाटर कितना गिर जा रहा है, कितना फ्लो कर जा रहा है। फिर हमें देखना होगा कि हमारी जो सरफेस है उस सरफेस में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है। यहां पर सिस्टम आ जाता है हमारे लैंडफॉर्म का, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे टोपोग्राफी का और हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का। तो आई होप आपको ये पूरी लाइन की दिक्कत, इस पूरे लाइन में क्या बताया गया वो समझ में आ गया होगा। आगे हमारी देखिए, प्रोफेसर आरएल सिंह ने हमारे पूरे इंडिया को 8 पार्ट में, 8 ग्राउंड वाटर प्रोविंस में डिवाइड करके रखा हुआ है। अगर वन बाय वन करके हम लोग आठों को देखें क्या कुछ है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैप को उठाते हैं, मैप के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। या एक काम करते हैं, फटाफट पहले नाम देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे वापस से मैप पे और उसको यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमारी ये आ जाती है वो आठों प्रोविंस, आठों प्रोविंस देखेंगे तो सबसे पहले आती है हमारी प्री कैम्ब्रियन, फिर आती है प्री कैम्ब्रियन सेडिमेंट्री रॉक प्रोविंस, फिर तीसरी आ जाती है गोंडवाना सेडिमेंट्री प्रोविंस, फिर आ जाती है हमारी डेक्कन ट्रैप प्रोविंस, फिर आ जाती है हमारी सिनोजोइक सेडिमेंट्री प्रोविंस,
सिनोजोइक फॉल्ट बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्रोविंस और हमारी आ जाती है हिमालयन प्रोविंस के बारे में। वन बाय वन करके एक काम करते हैं, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में समझते हैं, फिर वापस से हम इस टेबल में आएंगे और इसके जो ये डिस्क्रिप्शन लिखी गई है उस डिस्क्रिप्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे क्या कुछ है। तो पहले चलते हैं मैप पे और फटाफट मैप को आ जाते हैं। तो अगर मैप पे आएंगे तो देखिए ये हमारी आ गई है मैप। यहां पर मैप में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जरा देखते हैं हमारी प्री कैम्ब्रियन वाटर के बारे में। तो जब प्री कैम्ब्रियन एरा को देखेंगे तो प्री कैम्ब्रियन में हमारी अरावली का रेंज आ जाती है और महाराष्ट्र ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर पार्ट आ जा रहा होता है। तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो रीजियन है बेसिकली इस रीजियन को हम लोग प्री कैम्ब्रियन बोल सकते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ पैचेस अभी और आने वाले हैं। तो दिस इज बेसिकली प्री कैम्ब्रियन और इस प्री कैम्ब्रियन में जब आप आएंगे तो वाटर के बारे में अगर बात करें तो वाटर जो होती है वो स्केयर्स है या फिर बोल सकते हैं कि पुअर है वाटर यहां पर। क्लियर हो गया। इनफैक्ट ये बात करें तो टोटल के टोटल 50% ऑफ द एरिया कवर हो जा रहा होता है इंडिया का। तो ये हो जाती है हमारी प्री कैम्ब्रियन जो एरा हो जा रही होती है। सिमिलरली यहीं पर हमारी आ जाती है कुछ छोटी छोटी और चीजें जिसको हम लोग कलर बदल करके देखेंगे। कलर एक काम करते हैं ग्रीन ले लेते हैं। यहां पर जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हमारी अगली सिस्टम दैट इज द आर्कियन वगैरह जो आ जाती है। तो यहां पर बेसिकली हमें कुछ कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा जो ग्रीन कलर में कलर कर रहा हूं मैं यहां पर। फिर उसके बाद से बीच में यहां पर कर्नाटक के मतलब आंध्र प्रदेश के साइड में आपको मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कि ये आर्कियन एरा, आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा CUDDHAPHA, ठीक है, कडप्पा, कडप्पा के अलावा विंध्यन ये रीजन आ जा रहा होता है। इस रीजन को बेसिकली आरएल सिंह ने डिवाइड किया हुआ था। यहां पर अगर बात करें वाटर पुअर तो नहीं है लेकिन रिच भी नहीं है, तो नॉट रिच, ठीक है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी है तो जरूर लेकिन रिच भी नहीं है। फिर उसके बाद से अगर बात करें सिनोजोइक एरा के बारे में और सिनोजोइक एरा जो आ जा रही होती है वो आती है हमारी गुजरात के एरिया में। तो कलर चेंज करते हैं अगेन और जरा देखते हैं गुजरात के बारे में। तो इस रीजन में आ जाती है हमारी सिनोजोइक एरा और ये जो सिनोजोइक एरा अगेन यहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर ही हमें देखने को मिल रही होती है। दिस इज बेसिकली सिनोजोइक, सिनोजोइक वाटर बोल सकते हैं, वाटर डिवाइड बोल सकते हैं। और यहां पर भी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है, नॉट रिच के बारे में आप बोल सकते हैं। यहां पर भी वाटर जो होती है वो रिच नहीं हो पा रही होती है। सिमिलरली आपको और भी आगे देखने को मिलेगा जो हमारी सिनोजोइक फॉल्ट रीजन है। फॉल्ट रीजन का मतलब जो यहां से नर्मदा और तापी निकल रही होती है। तो ये जो इलाका है जो मैं अभी ब्लू कलर से आपको कवर करके दिखा रहा हूं ये इलाका आ जाता है सिनोजोइक फॉल्ट रीजन। इस फॉल्ट रीजन में बेसिकली जो इलाके आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारी नर्मदा के और साथ में आ जा रही होती है तापी के। ये इलाका देखिए वाटर रिच रीजन है, इलाके में पानी अच्छा खासा भरा पड़ा रहता है। फिर उसके बाद से हमारी जो नेक्स्ट रीजन आ जा रही होती है उसके लिए कलर ले लेते हैं ब्लू और यहां पर ये इलाका आ जाता है पूरा हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके को लेते हुए इस पूरे रीजन के बारे में, वेस्ट बंगाल और आपका असम का भी पार्ट आ जा रहा होता है। ये जो इलाका जो मैंने ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाया हुआ है ये बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोल सकते हैं या बोल सकते हैं दिस इज द प्लेन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र। और यहां पर अच्छी खासी, अच्छा खासा रिच वाटर मिल जाता है। तो यहां पर जो होती है रिच वाटर मिल जा रही होती है। सिमिलरली अगर बात करें यहां पर तो हम लोग आ जाते हैं अपने एक हिमालयन रीजन में। तो हमारे पास बच गया ये हमारा हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में अगर बात करें यहां पर भी सिक्किम में आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम ये वाले इलाके में भी बेसिकली हिमालयन रीजन ही आ जा रहा होगा। यहां पर अगर बात करें हिमालयन रीजन में तो हिमालयन रीजन में हमें कुछ खास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। अगेन ये नॉट रिच कंडीशन में चला जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड आवर इंडिया इनटू 8 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन गिवन बाय आरएल सिंह। तो आरएल सिंह ने जो हमें क्लासिफिकेशन दिया उसके हिसाब से हम लोगों ने इस पूरे इंडिया को इस तरीके से डिवाइड कर लिया। आपको भी अपने आंसर्स में ऐसे ही डिवीजन करना होता है। अब चलते हैं हम लोग जरा अपने टेबल में और वहां पर जरा एक एक को डिस्कस करना शुरू करते हैं क्या कुछ है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले हमारी आ जा रही होती है प्री कैम्ब्रियन के बारे में। प्री कैम्ब्रियन के बारे में बात करें तो देखिए पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया को कवर किया हुआ है जो कि 50% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री हो जा रही होती है। यहां पर अगर एरिया देखें तो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेटू और साथ में अरावली आ जा रही होती है। पानी के बारे में बात करें तो यहां पर पुअर वाटर अवेलेबिलिटी हो रही होती है।
सिमिलरली अगर बात करें हम लोग प्री कैम्ब्रियन सेडिमेंट्री के बारे में, यहाँ पर आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा और विंध्यन रेंज आ जाती है जो कि पैचेस में रहती है, जो प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन के भी कुछ कुछ पार्ट्स में चली जा रही होती है। जैसे आर्कियन के बारे में बात करें, आर्कियन, धारवाड़, ये कर्नाटक का एरिया हो गया, फिर इसके बाद से तमिलनाडु का एरिया हो गया, अरावली का एरिया हो गया, यहाँ पर फैली हुई रहती है। कड़प्पा के बारे में बात करें तो ये कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, वही आपका आंध्र प्रदेश, वहां पर मिल जाता है। सिमिलरली विंध्यन रेंज आपको पता ही है कहां पर मिल रही होती है, छोटा नागपुर के एरिया को भी बोल सकते हैं और इनफैक्ट मध्य प्रदेश के एरिया को भी बोल सकते हैं। यहां पर भी वाटर जो होता है वो रिच तो नहीं है, लेकिन खैर अवेलेबिलिटी हो जा रही होती है। गोंडवाना सेडिमेंट्री के बारे में बात करें तो ये देखिए गोदावरी रीजन का हो जाता है, जो कि काफी अच्छा खासा यहाँ पर रिच वाटर रिसोर्स हमें मिल जा रहा होता है। डेक्कन ट्रैप के बारे में बात करें तो देखिए डेक्कन ट्रैप मैंने वहां पर नहीं ड्रॉ किया था, ये एरिया आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एरिया में आ जा रही होती है। वाटर यहां पर भी डिफिशियंट है, वाटर की अवेलेबिलिटी यहां पर भी कुछ खास नहीं हो पाती है और ये क्रिटेशियस पीरियड में बेसिकली पाया जा रहा होता है। हालांकि यहां पर कई सारे क्रैक और फिशर्स है, ब्लैक सॉइल वगैरह पाई जा रही होती है, बट अगेन ब्लैक सॉइल की आपको पता है कि ब्लैक सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो कुछ खास टाइम तक नहीं होती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टाइम तक नहीं होती है, फटाफट ये सॉइल जो होती है, ये जो क्ले होती है वो सूख जा रही होती है, इसलिए वाटर अगेन डिफिशियंट यहां पर हो जा रहा होता है। हालांकि यहां पर जो होता है इरिगेशन ऑफ सीरियल, ऑर्किड, फिर उसके बाद से शुगर केन, ये सब अवेलेबिलिटी हो जा रही होती है, बट अगेन वाटर के बारे में बात करें तो वाटर डिफिशियंट होता है। आगे बात करें हम लोग सिनोजोइक के बारे में, तो सिनोजोइक हम लोगों ने देखा था कि गुजरात के प्रोविंस में, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस एरिया में बेसिकली पाया जा रहा होता है। टर्शियरी एज की है ये सारी और रिच इन वाटर रिसोर्स पाई जा रही होती है। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली कंपैरेटिव टू द अदर पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के रिस्पेक्ट में रिच हो जाती है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो यहां पर भी कुछ खास हमें रिच देखने को नहीं मिलती है। फिर सुनो जो एक फॉल्ट के बारे में बात करें तो यहां पर नर्मदा और तापी का जो रिफ्ट वैलीज है उसके बारे में आ जा रही होती है। अगेन यहां पर क्या है, क्वाइट रिच है ये, काफी अच्छा खासा हो जाता है। लास्ट में हमारी आती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और हमारी हिमालय। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में तो आपको पता ही है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मतलब ईस्टर्न राजस्थान के एरिया को ये ड्रेन कर रही होती है। 44% ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी यहीं पर पाई जा रही होती है। इसी कारण से ट्यूबवेल वगैरह या फिर वेल वगैरह इसके थ्रू यहां पर इरिगेशन की जा रही होती है। काफी ज्यादा रिच रिसोर्स ये इलाका है वाटर के रिस्पेक्ट में। हिमालय के बारे में बात करें तो हिमालय आपको पता ही है, इलाका जो है आपका जम्मू कश्मीर, फिर आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज में आ जा रहे होते हैं। स्ट्रक्चरली काफी ज्यादा टफ टोपोग्राफी पाई जा रही होती है यहां पर, और यहां पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है कुछ खास नहीं होती है। लेकिन यहां पर फिर भी अगर बात करें कुछ इंटरमाउंट वैलीज के बारे में, जैसे देहरादून हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, यहां पर रिलेटिवली वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी मोड़ी हो जा रही होती है बिकॉज ऑफ जो स्प्रिंग्स यहां पर पाई जा रही होती हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने पूरा का पूरा हमारा वाटर रिसोर्स के बारे में देखा, ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो वहां पर अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लाइमेट के बारे में, इंडियन मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।